नमस्कार फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करें। दोस्तों, बैंक के एग्जाम में इस तरह की पजल आ रही हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट यह है, आजकल लाइनर पजल नॉर्थ साउथ वाली विशेषकर प्री एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इस पजल को बड़े ध्यान से देखें। आपको इसी तरह से पजलों को हल करना है। तो दोस्तों, आज हम लाइनर पजल के बारे में बताएंगे और इस तरह की पजल IBPS के प्री एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। तो देखते हैं, 12 मित्र प्रत्येक पंक्ति में 6-6 व्यक्तियों के साथ दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पहली पंक्ति में PQRSTU बैठे हैं, तो इस तरह कर लें कि PQRST और U, ये सभी देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, इस तरह से नोट कर लें। दूसरी पंक्ति ABCDE बैठे हैं और इन सबों का मुख दक्षिण की ओर है। दी गई बैठने की व्यवस्था में प्रत्येक पंक्ति इस प्रकार है कि उसका मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के सामने है। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये हो गई ABCDEF, ये देख रहे हैं साउथ की तरफ। तो हमारी ये इस तरह से बना लेने से हमारी चीज़ें होंगे, ABCD वाले सभी साउथ की तरफ देख रहे हैं, PQRSTU वाले हमारे दक्षिण। तो सारा ध्यान आपको इसी डायग्राम के ऊपर रहेगा पूरे सवाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है AF के दाएं तीसरा स्थान पर है। अब हमें मालूम है A जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो AF के दाएं तीसरे स्थान पर, तो F अगर यहाँ होगा तो इसका दाएं इस तरफ होगा, यानी कि तीसरे स्थान पर, तो A हमारा आ गया यहाँ पर। इन कंडीशंस में दो कंडीशन लेकर चलते हैं, पहली कंडीशन ये मानते हैं, दूसरी कंडीशन एक और जगह हम मान लेते हैं। इस तरह से दो कंडीशंस को लेकर चलते हैं। आगे कह रहा है एफ के किसी एक पड़ोसी का मुख पी के सामने है, यानी कि एक पड़ोसी तो ये हो गया, इसका मुख आ गया पी के सामने, और एक पड़ोसी दूसरी कंडीशंस जो संभावना है उसमें लगा लेते हैं, दूसरा पड़ोसी आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। पी और यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। अब कह रहा है पी और यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, यानी कि पी और यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, या तो इधर बैठ सकता है और या इधर बैठ सकता है, तो इस लाइन को अभी हमने छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं, ना तो ए और ना एफ पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठा है। तो अब हमारी स्थिति क्लियर हो गई, ये हमने पी और यू इसीलिए छोड़ा था कि हमें आगे जैसे ही हमारे कोई क्लू मिलेगा हम उसमें इस लाइन को रख देंगे। तो हमें मालूम पड़ गया कि ए और एफ पंक्ति में अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कि इनके अगल बगल में कोई ना कोई सदस्य ज़रूर होगा। तो अब हमारी लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब हमारे पास कह रहा है पी और यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो मैंने यू यहाँ माना और इसमें यू हम मैं मानता हूँ यहाँ पर, इस तरह से यू इधर भी हो सकता है, यू इस संभावना में इधर भी हो सकता है, जिसे मैंने अभी आगे के लिए रख दिया अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ती है तो। मैंने अभी पहली स्टेज में यही लेकर चल रहा हूँ। अब आगे कहता है क्यू टी के मध्य तीन व्यक्ति हैं, यानी कि अब यहाँ आमने सामने सभी सदस्यों को रख लेते हैं हम बिंदु बनाकर। अब हमसे कह रहा है क्यू टी के मध्य तीन व्यक्ति हैं, टी पंक्ति में किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। अब समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ तो आ नहीं सकता, इस डायग्राम में यू है हमारे पास और टी अंतिम छोर पर आ ही नहीं सकता, तो हम मानते हैं टी जो है यहाँ बैठा है, अंतिम छोर पर नहीं बैठा, क्योंकि तीन व्यक्ति उसमें चाहिए, 1, 2, 3, तो क्यू हमारा निश्चित रूप से यहाँ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टी हमने इसमें भी, इस डायग्राम में भी हमने टी यहाँ रख दिया और क्यू हमारा आ गया यहाँ पर। आगे चलते हैं, सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ना तो सी और ना ही डी ए का निकटतम पड़ोसी, सी और डी ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारा कहाँ आ सकता है, ए यहाँ रख नहीं सकते सी और डी, तो हमारा यहाँ सी और डी आ सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है सी डी के दाएं, यानी कि सी डी के दाएं इस तरह से एक व्यक्ति है, यानी कि साउथ की तरफ देख रहे हैं तो दाएं इधर होगा, तो सी हमारा आ गया यहाँ पर
और डी हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से सी हमारा यहाँ आ गया और डी हमारा आ गया यहाँ। आगे चलते हैं, आर एस के ठीक माए हैं, यही इसी के लिए हमने ये जो यू है वो छोड़ा था। अब वो कह रहा है आर जो है वो एस के ठीक माए है, तो आर अगर हम यहाँ रख दें तो एस निश्चित रूप से यहाँ आएगा। अगर हम यहाँ यू रख देते तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता और कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता। इसी के लिए हमने ये यू यहाँ रखा था, अगर भविष्य में आई तो ज़रूरत पड़ी तो हम इसे रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा पजल इस तरह से यहाँ तक अभी तक बन गई। अब इसमें देखते हैं आर जो है वो एस के ठीक बाएँ हैं, इसमें भी रख देते हैं आर एस के ठीक बाएँ हैं, ये भी हमारा हो गया। आगे कहता है पी के निकटतम पड़ोसी का मुख बी की ओर है, पी के निकटतम पड़ोसी का मुख बी की ओर है, तो पी का निकटतम पड़ोसी यहाँ है तो इसका मुख एफ की ओर है, और एक अगर हम मानते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की ओर, तो ई हमारा आ गया यहाँ पर। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पी के एक पड़ोसी का मुख बी की ओर है, लेकिन यहाँ केवल एफ की ओर दिखाई दे रहा है, इधर कोई व्यक्ति नहीं है, तो एफ की ओर तो यहाँ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक पता चलता है कि हमें बी हमें यहाँ मिल रहा है इस पर पहली संभावना में, लेकिन दूसरी संभावना में बी हमें नहीं मिल रहा। तो ये पजल हमारी इस तरह से ये गलत हो गई और ये पजल हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तो संभावना बनेगी ई ए बी सी एफ डी का सामने है क्यू एस आर पी टी यू के, तो इस तरह से ही हमारी पजल पूरी हो गई। तो आप भी बड़ी सावधानी से हर लाइन पर जाकर पूरी पजल को ठीक कर सकते हैं। इस तरह की पजलें आई बी पी एस प्री एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। और हमारे चैनल को टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल को वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, सब्सक्राइब का आइकॉन दिया होगा, उसे ज़रूर क्लिक करें जिससे हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।